हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा बुक रिव्यू सीरीज, और इस सीरीज में हम एक बुक के सीरीज की रिव्यू कर रहे हैं। और ये बुक की सीरीज है थीम्स का डाइसेक्टेड सीरीज। इसके तीन वॉल्यूम है, वॉल्यूम वन, वॉल्यूम टू और वॉल्यूम थ्री। इसके पहले वाला वीडियो में हमने वॉल्यूम वन के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप इससे संबंधित कि इसमें कौन से टॉपिक कवर होंगे, क्या इसकी खास बात है, इसको देखना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो चीज लिंक के रूप में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसके सेकंड वॉल्यूम का, जिसका मेन कंटेंट है एब्डोमेन एंड लोअर लिम। इसके जो राइटर हैं बिल्कुल सेम है जो फर्स्ट वॉल्यूम के थे, ये हैं विश्राम सिंह, जीपी पॉल, एस डी गंगा ने, संजय सेनियाल। ये इतने अच्छे वेल नोन राइटर्स हैं कि हर एक एमबीबीएस, एमडी, एमएस के बच्चे इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं हम आज के इस सेकंड वॉल्यूम का। सेकंड वॉल्यूम में भी आपको मैक्सिमम पहले वॉल्यूम का जो मेन मेन अट्रैक्शन चार्म था वो कंटिन्यू तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन एक बार ब्रीफिंग तो देखनी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस बुक को परचेस करते हैं तो इस बुक के साथ साथ आपको इसका फ्री ई एक्सेस भी मिल जाएगा। तो एक बुक खरीदने पे आप इसका कंटेंट को भी और जगह यूज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कंटेंट की, तो कंटेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बुक में होता है कि उसके अंदर कौन कौन सी थ्योरी प्रेजेंट होगी, लेकिन इस पूरे सीरीज में, थीम के डाइसेक्टर सीरीज में, वॉल्यूम वन से लेकर के वॉल्यूम थ्री तक आपको जनरल इंडेक्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, जो कि आपको हर बुक में मिलता है, लेकिन ये इसकी खास बात नहीं है। इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए काफी सारे वीडियोस भी साथ में इंबेड किए गए होंगे, जिसको देख करके आप कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। यकीन मानिए कि इस वीडियो को रिव्यू करने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इसके अंदर जितने भी वीडियोस हैं सबको सुबह से लेकर के मैक्सिमम टाइम देते हुए सब कुछ देखा हुआ है। सब वीडियो मैंने देखे हैं, और इनको एक एमबीबीएस का स्टूडेंट, एक एमडी, अगर जरूरत पड़े तो, वैसे भी ये एमएस के लिए ज्यादा यूजफुल है, तो बहुत आसानी समझ सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये वीडियो कंटेंट में कौन कौन से वीडियोस हैं, उनके कौन कौन से पेज नंबर हैं, वो आपको यहां से मिल जाएगा। साथ साथ आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं, आपके स्क्रीन में भी मिल रहा है, तो वहां से आप सैंपल टॉपिक को जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बुक के मेन हाईलाइट पे ऊपर। तो वैसे तो सारा बुक का हर एक पेज कुछ ना कुछ खास है ही है, पर कुछ चीजें आपको दिखानी है ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। तो जब हम बात करते हैं आपके इस वॉल्यूम का, एंटीरियर एंड मीडियल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, तो इसमें उनका डाइसेक्शन कैसे होता है, कौन से पॉइंट से इनका हम ओरिजिन करके किस तरफ मूव करेंगे, कौन से पार्ट इनकाउंटर्ड होते हैं, सब चीजें यहां पर आपको बहुत ही अच्छे डायग्राम तरीके से, उनका इलस्ट्रेशन तरीके से। और इस बुक की जो खास बात है वो ये कि उनके रेस्पेक्टिव जो वीडियोस प्रोसेस है सर्जरी का, इनसे आप देख सकते हो। वीडियोस अलग अलग तरीके के इसमें यूज किए गए हैं। कुछ स्केलेटल मॉडल का यूज किया गया है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे कॉलेज में डमी के पर्पज से यूज होता है, इनको यूज किया गया है। कुछ रियल ऑब्जेक्ट को यूज किया गया है, और मोस्ट ऑफ द केस आपके जो स्पेसिमन बॉडी होती है इसके साथ आपको परफॉर्म किया गया है। और इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है कि अगर आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप ईच एंड एवरी थम्स को आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये यहां पर आप देख सकते हो कि इनके बारे में आपको कुछ स्पेसिफिक एक्सप्रेशन मिलेगा, हर एक पेज में तो नहीं, बट जहां जहां पे जरूरत है वहां पे आपको उससे संबंधित बेसिक वीडियो मिल जाएंगे कि अगर आपको ये वाले टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इसको भी समझ सकते हैं। मैंने पहले पार्ट में एक बात अपनी रखी थी, पर्सनल थॉट सी, कि हम इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, हम अपनी बात करें कि इसमें इतने सारे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स के अंदर इतने सारे सब टाइप्स हैं कि हर एक चीज को समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और उनको सरल करना एक बहुत ही अच्छा काम होता है, और ये बुक उस प्रोसेस को एक पूरा करने के लिए कदम बढ़ा रहा है। और वैसे भी आपको पता है थीम का जो पब्लिकेशन हाउस है, मेडिकल के फील्ड में एक वेल नोन पब्लिकेशन हाउस है जो काफी अच्छे कंटेंट लेकर के आता है। यहां पर भी आप देखें डाइजेशन के प्रोसेस को, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया गया है। ये जो आपको ग्रे कलर में एक बॉक्स मिल रहा है टेबुलर फॉर्म में, ये डाइसेक्शन के स्टेप्स हैं। लेट मी शो यू, ये देखिए, डाइसेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, यहां पे आपको कैसे ऑपरेट करना है, कौन से पॉइंट से इंसिजन स्टार्ट करते हुए आगे फर्दर मूव करना है, बीच बीच में कौन से ऑर्गन इनकाउंटर्ड होंगे, उनको कैसे टैकल करना है, यहां पे प्रोसेस बताया गया है। प्रोसेस को समझाने के लिए वीडियोस का यूज किया गया है, और ये जो पेज की क्वालिटी है तो नो डाउट सबसे अच्छी क्वालिटी में से एक इनकी यूज करते हैं। तो हर एक पार्ट पे आपको मैक्सिमम सपोर्टिव थेरेपी के रूप में बेसिक कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगे, नॉट ओनली फॉर थ्योरीज पर्पस बट
प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी ये वीडियो आपके काफी काम आएंगे। यहाँ पे हम मसल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो बेसिक मसल के कुछ कंपैरिजन पॉइंट यहाँ पे ऐड किए गए हैं ताकि थ्योरी भी आप क्लियर करते चलो। तो यहाँ पे हम देखेंगे मसल ऑफ द एंटीरियर एंड मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई में आपके कंपार्टमेंट, उसके मसल, उसके एक्शन और उसमें कौन से नर्व सप्लाई होते हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट जो हमारे प्रोसेस के बीच में आ रहे होंगे उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहां से आपको वो भी मिल जाएगा। यू तो हर एक पेज इस बुक का खास है। इसके बाद एक और वॉल्यूम बचेगा वॉल्यूम 3, उसमें भी चीजें सेम टू सेम होंगी लेकिन कुछ कंटेंट उसकी खास होती है। यहां पे बाकी देखोगे इस पार्ट का तो यहां पे भी आपको डॉटेड लाइंस के थ्रू बताया गया है कि इंसिजन कहां से स्टार्ट होकर के किसकी तरफ मूव होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट यहां पे एक्सप्लेन किया गया, फिगर रेफरेंस दिया गया है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, आपका वीडियोस भी एक QR के फॉर्म में दिया गया है। इस QR को आप बेसिकली किसी भी मोबाइल से जो गूगल का कैमरा होता है उससे स्कैन करेंगे तो वह आपको ये वीडियो के लिंक पे लेके चला जाएगा और वहां से आप कमेंट्री सुन सकते हैं। ये कमेंट्री आपको बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझ में आ जाएगी, इंडियन एसेंट है तो ये चीजें आपके लिए यूजफुल होंगी। इसके बाद आगे आप देखोगे तो हर एक पेज में जो रियल इमेज है, जो इलस्ट्रेशन है, उनको भी अच्छे से कलर डायग्राम के साथ समझाया गया है, पार्ट्स को भी समझाया गया है, उनके जो एक स्पेसिफिक सर्कल है उनको भी डिनोट किया गया है ताकि आप समझ सकें कि आप किस पार्ट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। जो थ्योरीज हैं रिलेटेड टू द और टॉपिक वहां भी आपको क्लियर किए गए हैं, हर एक टॉपिक चाहे वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई एंड पॉपिटेटल फोसा होगा वो भी आपको यहां से मिल जाएंगे। हर एक पेज पे एटलीस्ट एक दो वीडियो तो आपको मिल रहे हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बुक काफी अच्छा हो सकता है अगर आप इस चीज के नॉलेज को अच्छे से ग्रेन करना चाहते होंगे। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, फिर भी अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इसे आप इसके ऑफिशियल साइट से परचेस कर सकते हैं जहां पे वो एज यूजुअल कुछ डिस्काउंट आपको देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो वहां पे प्रोमो कोड में पटेल 30 का ऑप्शन डाल सकते हैं। इस वीडियो के लिंक में आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उस बुक को अपने कार्ट पे डाल दीजिए। कार्ट से चेकआउट करते समय ये कोड जरूर डाल दें पटेल 30, तो फिर आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट वहां से हो सकते हैं। बाकी चॉइस तो हमेशा आपकी है, आप जहां से परचेस करना चाहें या नहीं करना चाहें, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको आगे डेफिनेटली 100% रिटर्न वैल्यू में आ जाएगी। यहां पे भी देखिए पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया गया है, मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग यहां पे सब कुछ समझाया गया है वीडियोस के थ्रू, और ये आपके पूरे पार्ट्स को स्टिल इमेज के रूप में कन्वर्ट करके इनको नॉमेनक्लेचर भी किया गया है। वीडियो के बीच में भी जहां पे लगता है कि चीजें आवश्यक है उसको स्टिल में स्क्रीनशॉट लेकर के आपको उसके नॉमेनक्लेचर की तरह से डिनोट किया जाएगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट ये है, कितने उसके मल्टीपल लेयर हैं, कौन से पार्ट का ब्रांचिंग आगे जाकर के सिंगल में कन्वर्ट होता है या क्या उसकी खास बात होती है। एक बात और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि अगर कहीं पे कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, केस स्टडी आता है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लेन करते समय अगर यह देखा गया कि उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी रही होगी जब वो डेड बॉडी पहले एक अलाइव पर्टिकुलर पर्सन रहा होगा तो उसको भी वहां पे बताया जाता है कि ही और शी वाज सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिजीज और डिसऑर्डर, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले बुकमार्क की ओर। सारे पेजेस सेम है, कोई जरूरत नहीं है इसको रिव्यू करने की और डिटेल पे, बट एक टीचर के नजर से मैं देखना दिखाना चाहूं तो इंटरेस्ट क्रिएट करना सबसे जरूरी चीजें हैं। यहां पे भी आप देखिए आपको जो ट्राइसेप्स के जो स्ट्रक्चर है उनको वीडियो के फॉर्म में दिया गया है, मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग के बीच में डिफरेंशिएशन किया गया है टेबुलर फॉर्म में, रियल इमेज को आपको दिखाया गया कि देखिए ये अलग अलग उसके पार्ट्स हैं, इसको हम कैसे ऑपरेट करें, कैसे रिमूव करें, कैसे आइडेंटिफाई करें, यह भी आप वीडियो के थ्रू देख सकते हो। एंड इट इज सो वेरी इजी, नो नीड टू गो फॉर लॉगिन प्रोसेस, आप जस्ट स्कैन करिए आपको वीडियो दिख जाएगा। वीडियो को देखने के लिए भी आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो लिंक मिलेगा इसका PDF सैंपल का ऑफिशियल साइट से, वहां से भी आप चेक करके देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी चीजें तो आप बुक से ही देख पाओगे। तो हर एक जगह सोल ऑफ द फूड, मैं जब इस वीडियो को देख रहा था तो मुझे लगा कि हम इंसान भले ही कितना प्रोग्रेशन कर लें, अपने आप को कितना भी पढ़ा लिखा या इंटेलिजेंट समझ लें, इस जो गॉड के क्रिएशन है उसके सामने हमारी कोई भी वैल्यू नहीं रखती है। इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। और दूसरा, एक व्यक्ति को हमेशा ग्रेटफुल थैंकफुल होना चाहिए MS का, इवन दो ऑल डॉक्टर्स का, बट एज अ पर्सनल ओपिनियन मैं कह रहा हूं MS को हमारा सैल्यूट है क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स चीजों को इतने बारीकी से समझते हैं, इतने पेशेंस के साथ डेडिकेशन के साथ डील करते हैं कि वह एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स टास्क को अपनी ओर से एकदम सिंपल बना करके परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जब आप इन चीजों को देखोगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे, चाहे आप MBBS के स्टूडेंट हो ना हो, MS कर रहे हो ना कर रहे हो, प्लानिंग हो ना हो, ऑलरेडी कर चुके हो,
ये चीजें आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, इवन दो समझ चुके होंगे अगर आप ऑलरेडी इस फील्ड से बिलोंग करते हैं तो. तो दिस आर द वेरी 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 नाइस कॉन्सेप्चुअल बुक जो आपको आपके फील्ड में हमेशा एक कदम आके लेके जाएगी. देखिए इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, इतने सारे इसके जटिल सब्सटेंस है कि समझ पाना और उनको ऑपरेट कर पाना इट्स वेरी वेरी टफ, और वो आपको जरूरी है तो एक अच्छे बुक की जो इसको थोड़ा सा प्रोसेस को इजी करता होगा. इसके बाद आपको अगले बुक मार्क पे लेके चले तो यहाँ पे देखिए जनरल फीचर्स, कुछ स्पेसिफिक लिगामेंट्स हैं यहाँ पे, जॉइंट्स हैं. तो ये जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं जिसको हमने वॉल्यूम 1 में आपको एक्सप्लेन किया था. ये जॉइंट्स को कैसे डाइसेक्ट करें, कैसे देखें, ये वीडियो से आप देखेंगे. इस वीडियो को मैंने पूरा देखा हुआ है और मैं इसलिए आराम से आपको कह सकता हूं कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो. डायरेक्टली जंप करके इस वीडियो पे अगर आएंगे, आपने इस फील्ड में अभी तक कदम नहीं रखा है, तो डेफिनेटली आपको टर्म समझ में नहीं आएंगे. हाँ, लेकिन प्रोसेस तो समझ में आ ही जाएगा. आगे बढ़ते हैं. हर एक पेज अपने आप में कुछ ना कुछ खास बात लेकर के आया है. ये वाले पार्ट आपको वीडियो में भी दिखेंगे. इस वीडियो का स्क्रीनशॉट यहां पे लिया गया है, कैसे जो मूवमेंट ऑफ द बॉल है वो यहां पे आप यहां से देख सकते हैं. सो आपको बड़ी ही सिंपल तरीके से हर एक चीज को समझाने की कोशिश करी गई है, दिखाने की कोशिश करी गई है, तो ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक मार्क पे. तो यहां पे देखिए आपका ये आपका इंटीरियर ऑफ द ड्यूडिनम, पैनक्रियास, जो अलग अलग पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड, इनको भी दिखाया गया है. इनके भी क्लियर डायग्राम दिखाए गए, इलस्ट्रेशन दिखाया गया, रियल इमेज प्लस वीडियो दिखाया गया. तो इसी पेज में देख लीजिए आप, कई चीजें एक साथ हैं, थ्योरी भी है, टेबल भी है, इलस्ट्रेशन भी है, रियल इमेज भी है और उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, ताकि आप चीजों को एक नहीं बल्कि और भी अवेलेबल ऑप्शन के साथ समझ सकें. ये सब चीजें मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि इससे अच्छी बुक अगर आपके पास होगी तो फिर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा, बट ऐसा संभव फिलहाल अभी नजर नहीं आता. ये बुक आपके काफी काम आएगी, काफी सारे कॉन्सेप्चुअल बुक होगी. आगे बढ़े अगले बुक मार्क पे, तो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी वीडियोस यहां से आप देख सकते हैं. इनके अलग के प्रोसेस के वीडियोस हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का इसमें आप वीडियो देख सकते हो, उसका स्टील इमेज देख सकते हैं और सिंपली इलस्ट्रेशन डायग्राम, जो कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई डायग्राम है, बट यहाँ पे इतनी अच्छी क्वालिटी से हर एक चीज को दिखाया गया है. ये तो सिर्फ एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 3 को अगर आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि दिस इज अ कंप्लीट सेट. ये बहुत ही अच्छा इवन गिफ्ट भी हो सकता है आपके नियर एंड डियर पर्सन के लिए. यहाँ पे देखिए सारे पार्ट्स को कितनी आसानी से कलर्ड एकदम HD इमेज में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी गई है. एंड दीज आर वेरी वेरी वाइटल थिंग्स फॉर योर स्टडी. तो इस वीडियो में मैंने आपको कुछ कुछ ही पार्ट दिखाए हैं. मैक्सिमम पार्ट तो कॉमन है सबके लिए, सब में एक ही पैरामीटर है कि आपको डायग्राम, फ्लो चार्ट, वीडियोस, इलस्ट्रेशन, टेबल एसेट्रा एसेट्रा, इनको मिलाकर के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी गई होगी. वॉल्यूम 3 है, तीनों ही एक वर्थली इन्वेस्टमेंट होंगे आपके लिए. तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप इसे परचेस करना चाहें तो जो भी साइट से आप कन्वीनियंट समझे वहां से परचेस कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो. लेकिन अगर कुछ डिस्काउंट चाहते हैं तो आप इनके ऑफिशियल साइट पर चले जाइएगा, वहां से जो प्रोसेस मैंने बताया है आपको उसको फॉलो करके आप इसे परचेस कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. नमस्कार, टेक केयर.